हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMkC चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज भी हम लोग करीब करीब 3 से 4 शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आज हाइलाइटेड थे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने शेयर सिलेक्ट किया है वो आपके सामने है और वो है DHFL। आप सभी को पता है DHFL में कंटिन्यूसली गिरावट चली रही थी और उसके बाद एक ऐसा धमाका हुआ, मतलब 31,000 करोड़ का फ्रॉड होने की संभावना, ऐसी न्यूज़ सामने आते ही आप देख सकते हैं DHFL का शेयर करीब करीब 100 रुपये के आसपास आ चुका था। और उसके बाद आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि DHFL के जो CEO है उन्होंने अपने जो पोस्ट थी उससे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। अब रेजिग्नेशन दे दी CEO ने तो आप बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो चुके होंगे, सर रेजिग्नेशन देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके प्राइस में अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है। हम लोगों ने जब भी सुना है कि CEO जैसे की मैनेजमेंट में कभी भी रेजिग्नेशन दिया तो आप देख सकते हो कि जो चार्ट होता है वो नीचे आ जाता है, पर आप देख सकते हो कि आज ये DHFL का शेयर का चार्ट देख सकते हो कि ऊपर जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन देने के पीछे की वजह भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को मैंने एक बीच में शेयर का इंट्रोडक्शन भी दिया था कि फोर्टिस करके एक शेयर है, फोर्टिस हेल्थ करके, वहाँ पे भी सेम इशू हुआ था फ्रेंड्स, सेम टू सेम। मतलब वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनमें बहुत ही फेमस है सिंह ब्रदर्स करके। अगर आप फोर्टिस का शेयर चेक करोगे और सिंह ब्रदर्स करके गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। तो फोर्टिस के शेयर में भी वही हुआ था फ्रेंड्स कि जैसे सिंह ब्रदर ने बोला था कि हम लोग शायद से रिज़ाइन कर देंगे, तो बहुत अच्छा, मतलब इसको बहुत ही अच्छा न्यूज़ माना था। और क्योंकि मतलब उनके जो जब तक वो मैनेजमेंट में थे तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और उसी के वजह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला था कि हम लोग रिज़ाइन कर देंगे, तो वो न्यूज़ के चलते फोर्टिस में एक बहुत ही अच्छा उछाल आया था। चलो आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल ही दिखा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने वो फोर्टिस का शेयर ओपन किया है तो आप देख सकते हैं ये शेयर करीब करीब 90 रुपये पे आसपास चलता था और यहीं पे जो न्यूज़ थी वो सामने आ चुकी थी कि ऐसा आ रहा था कि सिंह ब्रदर्स जो फोर्टिस के अंदर उनके मैनेजमेंट में वो शायद से रिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आ गई आप देख सकते हो कि शेयर में कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो ये एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए, मतलब देने के लिए बताया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि CEO ने रिज़ाइन किया मतलब शेयर नीचे ही जाना चाहिए। तो वो उस कंपनी के लिए कैसे अफेक्ट करता है वो आपके ऊपर, मतलब वो देखना चाहिए। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, आप सभी को पता है मैं क्रिकेट से रिलेटेड एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी को पता है इंडिया की क्रिकेट की टीम पे एक बार कोच थे ग्रेग चैपल करके, यस। तो ग्रेग चैपल करके जब वो टीम में थे तो बहुत कुछ इंडिया की टीम में बहुत कुछ झगड़े होते थे, बहुत कुछ मैनेजमेंट में लेके बहुत कुछ इश्यू होते थे। पर जैसे ही ऐसा बताया गया कि इनको निकाल देने वाले है, बहुत अच्छी न्यूज़ मानी गई थी और बहुत ही मतलब सभी जगह खुशहाली आई थी। ये मेरा बताने का मकसद यही है कि रिजिग्नेशन इट डजेंट मीन कि डायरेक्ट शेयर नीचे ही जाएगा। मतलब DHFL ने इसको पॉजिटिव लिया कि जो CEO के पद पे बैठे थे वो उनको मतलब बोलते थे ना इतना काबिल नहीं समझते थे, या फिर बोल सकते कि उन्होंने फेल हो गए जो CEO के पोस्ट पे थे, जिनका नाम है मिस्टर हर्षिल मेहता, वो DHFL के CEO के पोस्ट पे थे। तो मैनेजमेंट शायद से उनको लेके खुश नहीं था और आज देख सकते हो आप जैसे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया शेयर ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया है, देख सकते हो आप। ये देखिए आपके सामने ही चार्ट आ चुका है, बहुत ही अच्छा कमबैक, मतलब 16 रुपये की बढ़ोतरी। तो यही रीज़न है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है। अभी और एक बात है कि उन्होंने रिज़ाइन किया है बट वो कंपनी में कंटिन्यू काम अपना कंटिन्यू रखेंगे एज एन अ डिफरेंट पोस्ट। रिज़ाइन किया मतलब ये भी नहीं, ये भी गलत फहमी होती है एक छोटे निवेशक में, रिटेल निवेशक में रिज़ाइन मतलब छोड़ ही जाने वाले, छोड़ के नहीं जाने वाले फ्रेंड्स। उन्होंने जस्ट वो CEO के पोस्ट से रिज़ाइन किया। मतलब एग्जांपल लेने गया तो MS धोनी, उन्होंने क्रिकेट की जो कैप्टनशिप थी वो छोड़ दी पर वो अभी भी खेल ही रहे टीम में। इट्स सेम लाइक दैट जो मिस्टर हर्षिल मेहता है, उन्होंने जस्ट रिज़ाइन किया पर वो DHFL के टीम में है, कंपनी में अभी भी है। तो इट जस्ट लाइक दैट। सो आखिरी क्वेश्चन यही रहेगा, सर क्या इसमें निवेश फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा है जहाँ पे सस्पिशियस चीज़ें रहेंगी हम लोगों को बिल्कुल वहाँ पे निवेश नहीं करना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेजेबल पर्पज़ से रिलेटेड आप अपडेट रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये शेयर को आज इस अपने वीडियो में कवर किया था। तो मेरी तरफ से बिल्कुल इस शेयर में आपको बिल्कुल नहीं खरीदना है, बिल्कुल ना ही है मेरी तरफ से। तो ये था आज का पहला शेयर DHFL। फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं शेयर लेने वाला हूँ वो आपके सामने ही आ चुका है और वो है येस बैंक। सबसे ज़्यादा आज हाईलाइट येस बैंक के ऊपर ही था और आप देख सकते हो कि 53 रुपीज़, बाप रे बाप, मतलब 31% से भी ज़्यादा उछाल। और ये रीज़न
मतलब कोई तो ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी, और न्यूज़ यही है कि एस बैंक के ऊपर बहुत कुछ एलिगेशन लगाए गए थे, उसमें से जो एक एलिगेशन था वहाँ से RBI ने उनको क्लीन चिट दे दिए, पूरा क्लीन चिट, मतलब जो गड़बड़ी है इसे बोलने के लिए जो जा रहे थे तो RBI की तरफ से उनको क्लीन चिट मिली है। और आप देख सकते हो कि शेयर क्या मजबूत भागा है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया आप देख सकते हो। अब इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके सामने आएगा, सर क्या अभी इसमें फ्रेश बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेट अवे कहा था कि जहाँ पे सस्पिशियस चीज़ें रहेंगी जस्ट लाइक द DHFL वहाँ पे हम लोगों को बाइंग नहीं करनी है। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो मैंने येस बैंक से रिलेटेड हमेशा आपको वॉर्न किया है कि आपको ये शेयर जब तक 250 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक आपको इस शेयर में नहीं बाइंग करने की कोई, मतलब बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, तो मेरे नज़र से इससे तो नहीं दिख रही है। 250 का लेवल मैंने आपको बताया था, 250 जब तक ये 250 तक नहीं जाता है येस बैंक तब तक आपको कोई अपॉर्चुनिटी मतलब नज़र नहीं आती, ऐसा मेरा रहता। अगर आप चाहो तो आप अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो, ये जस्ट मैंने आपको बताया है। और आपको कुछ और भी चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करने वाला हूँ जो कि मतलब हिस्ट्री भी आपको कुछ याद रहनी चाहिए मतलब निवेश करने से पहले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है जैसे ही रिटेल निवेशकों को ऐसा चार्ट दिखता है, ऐसा अट्रैक्टिव चार्ट दिखता है तो फिर वो पुरानी बातें भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये येस बैंक का ही चार्ट है, आप देख सकते हो इसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरा था और ये गिरावट के बाद एक मूवमेंट था, यहाँ पे रुका था और वो प्राइस था करीब करीब, हाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो वो प्राइस था 183 रुपीज़ तक वो आया था, और उसके बाद आप देख सकते हो उसमें एक बहुत ही शानदार रिकवरी मारी थी जो कि करीब करीब 250 तक ही पहुँच गई थी, 246। तो ये हिस्ट्री आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि शेयर एक बार 180 के करीब आ चुका था और उसके बाद इतना ज़बरदस्त 60-70 रुपये तक उछाल उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके थे, और उसके बाद आप देख सकते कि उसके बाद वापस ये शेयर ने डाउनफॉल दिखाया था जो कि नीचे आया था कंटिन्यूसली और वह 160 के करीब आ चुका था। तो ये बात आपके थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए, डोंट डायरेक्टली मतलब बोलते ना ब्लाइंडली मत जाना, चार्ट बहुत अच्छा दिख रहा है 50 रुपये से ज़्यादा आज उसने बहुत ही अच्छा रैली दिखाया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस बाय ब्लाइंडली जाओ और बाय कर दो, नहीं फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि येस बैंक में बहुत ही सस्पिशियस चीज़ें होती थी और अभी भी इससे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सारी बातें हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ये सिर्फ RBI की तरफ से क्लीन चिट मिला है। सो मैं आपको बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहो तो येस बैंक में कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, ये आपका डिसीजन है, पर मेरी तरफ से अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने जो पुराने वीडियो में कहा था जब तक ये 250 का लेवल तक नहीं आता है तब तक मैं इसमें तो मैं तो बाइंग नहीं करूँगा, तो अल्टीमेटली डिसीजन आपका ही रहेगा, तो आपको जो चाहे तो आप वो खरीद सकते हो। देखिए और एक पॉइंट रहेगा येस बैंक से रिलेटेड, आप देख सकते हो कि ये और एक मौका हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे समझ सकते हैं कि येस बैंक में हम लोगों का पैसा अटक चुका था, तो ये अच्छा मौका देख के वो शायद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है जो कि पहले भी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, मतलब आप समझ सकते हो जो निकलने का मौका रहता है, ये बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में रहते हैं वो चाहे तो निकलने का मौका समझ के यहाँ से अगर निकलेंगे तो वापस ये शेयर नीचे टूट के आ सकता है, तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए खरीदने से पहले। सो अल्टीमेटली मेरा फाइनल कंक्लूजन येस बैंक से रिलेटेड यही है कि मेरे साइड से तो अभी भी ना है, जब तक ये 250 का लेवल तक नहीं पहुंचता है तब तक के लिए तो ना ही है। तो ये था सेकंड शेयर येस बैंक। इसके बाद जो मैंने शेयर कवर किया है जो कि मुझे बहुत सारे लोग 3-4 दिनों से कमेंट सेक्शन में पूछते चले जा रहे हैं वो है वक्रांगी। वक्रांगी में क्या बाइंग करनी चाहिए, क्या सर वापस इसमें ट्रेडिंग शुरू हो चुकी है? फ्रेंड्स मैंने अभी जो दोनों एग्जाम्पल दिए थे वो सिमिलर थे, क्योंकि कौन से DHFL और येस बैंक सस्पिशियस चीज़ें रहेंगी वहाँ पे हम लोगों को बाइंग नहीं करनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमें पता नहीं, अगर सपोज इसमें अच्छा रिपोर्ट आ गया, क्लीन चिट मिल गई जस्ट लाइक एन येस बैंक, तो डेफिनेटली ये शेयर 100 तक भागेगा ही, डेफिनेटली भागेगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं फ्रेंड्स, कोई गारंटी नहीं। सपोज अगर कल MCA ने कल बोल दिया कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और अगर ऐसा रिपोर्ट डाल दिया और इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है वक्रांगी के ऊपर, तो हो गया, ये नेगेटिव न्यूज़ आ गई सामने, तो ये शेयर वापस टूट के 30-25 रुपये के आसपास आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी होती है कोई भी शेयर में बाय करने से पहले। तो ये वक्रांगी से रिलेटेड भी मैंने जैसे ही आपको बोला था कि एक रिपोर्ट इनका आना बाकी है, सिर्फ एक रिपोर्ट जो MCA को उनको बताना है, अगर MCA ने इसके ऊपर अगर उनको क्लीन चिट दे दी तो समझ लेना ये शेयर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, बट जब तक ये न्यूज़ सामने नहीं आती तब तक मेरे तरफ से सेम जो मैंने पहले भी बताया था जो मेरा राय रहेगी कि नहीं, इसमें नहीं खरीदना है हम लोगों को।
फ्रेंड्स, आज के दिन का आखिरी शेयर मैंने जो लिया है वो है LNT लार्सन एंड टुब्रो। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है फंडामेंटल। बट फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये कंपनी का शेयर एक दायरे में ही घूम रहा है। मैं इसको बहुत लंबी टाइम से इसको ट्रैक करता हूँ, मुझे पता है ये शेयर 1200 के रेंज से लेके 1500 के रेंज तक ही घूमता है। 1200 से लेके 1500 कंटिन्यूसली इसी रेंज में ये घूमता है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये शेयर में आपको अगर बाइंग करनी है तो 1500 का लेवल तोड़ देना चाहिए ये शेयर ने, क्योंकि ये शेयर 1500 का लेवल तोड़ता ही नहीं है। मतलब कम से कम 7 से 8 बार इसने कोशिश की है और वो लेवल कभी टूटा ही नहीं है। तो यही मेरा सलाह रहेगा कि जो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि LNT से रिलेटेड क्या करें, बेशक होल्ड करें जिनके पास है, बट जब तक ये शेयर 1500 लेवल नहीं तोड़ता है ना, तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, NSE के द्वारा आप देख सकते हो कि बीच में कंपनी ने भी यहाँ पे बायबैक लाया था और उसका प्राइस भी 1500 ही था। कि बहुत सारे लोग मतलब वो लेवल टूटने के लिए, क्योंकि 1500 का लेवल ये शेयर ने अभी तक अचीव ही नहीं किया है। बहुत टाइम 1490 तक भी जा चुका है, पर ये 1500 का लेवल जब तक नहीं टूटता है ना, जैसे ही 1490 के करीब आ जाते हैं इसमें बिकवाली शुरू हो जाती है, लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। तो मेरा अल्टीमेटली यही रहेगा, जब तक ये कंपनी का शेयर 1500 तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि मोमेंटम अभी तक नहीं बना हुआ है अभी तक। ये देखिए, मैं इसका आपको चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइन है, ये 1500 का लेवल, ये देखिए यहाँ पे 1500 लिखा है, ये वाले लाइन के करीब जैसे ही आ जाता है आप देख सकते हो इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है और वापस वो नीचे आ जाता है। तो जब तक ये 1500 का लेवल नहीं जाएगा तब तक हम लोगों को इसमें बाइंग नहीं करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर, इसमें मतलब 1500 का लेवल आप बोल रहे हो तो फिर अभी तो ये 1200 के करीब मिल रहा है, तो इसमें क्यों नहीं एंटर किया जाए, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका पैटर्न है जो थोड़ा स्लो हो चुका है और डाउन ट्रेंड में चलता है। मतलब आप देख सकते हो 5 दिन के पहले भी, ये देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और बहुत ही स्लो चल रहा है। ये देखिए वापस डाउन ट्रेंड, और अगर आप 1 साल में भी पहले देखोगे तो ये करीब करीब 1350 पे मिलता था और आज इसका प्राइस देखिए, मतलब ये नीचे ही चल रहा है करीब करीब 100-150 रुपये 1 साल होल्ड करने के बावजूद। तो यही वजह है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 1500 का लेवल तोड़ना चाहिए उसके बाद ही। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर भी रहोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि पोर्टफोलियो से रिलेटेड न्यू ईयर के टाइम। अगर आप मेरे चैनल में नए होंगे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने पोर्टफोलियो में आखिरी शेयर रखा था LNT, और उसमें ब्रैकेट में मैंने क्लियर मेंशन किया था 1500। आप अभी भी जाके वो वीडियो देख सकते हो, जब तक वो 1500 अचीव नहीं करता है हम लोगों को वो शेयर अपने पोर्टफोलियो में तो नहीं लाना है। तो ये थे आज के शेयर फ्रेंड्स। आई होप, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। और हाँ, अगर इस चैनल में अगर आप नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।